हर भारतीय जनता पार्टी ये सख्त चेतावनी देती है एमआईएम के गुंडों को कि वो इसी तरह करेंगे तो गली में से निकाल निकाल कर मारेंगे। और एमआईएम के नेताओं को आज आगाज किया जाता है, अगर ये दोबारा कहीं भी इस प्रकार की घटना घटेंगी इसकी खैर नहीं रहेंगी। हैदराबाद की कोई गली में एमआईएम के नेताओं को फिरने भी नहीं दिया जाएगा। फिर उपस्थित महिलाओं पर दुर्व्यवहार किया है। आज एमआईएम पार्टी ये जान चुकी है पुराने शहर में भारतीय जनता पार्टी गली गली में घुस के पब्लिक की एक समस्या को जानने के लिए, पब्लिक को विश्वास दिलाने के लिए प्रजा भरोसा भाजपा भरोसा इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे कॉमन मीटिंग्स को ये लोग रोकना चाह रहे हैं। क्योंकि आज पुराने शहर के हिंदू ही नहीं, कई मुसलमान ये कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और हमारे मीटिंग को, क्योंकि ये लोगों को पता लग गया है कि इनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है, इसलिए वो लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्य के प्रोग्रामों को होने से रोक रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये सख्त चेतावनी देती है एमआईएम के गुंडों को कि वो इसी तरह करेंगे तो गली में से निकाल निकाल कर मारेंगे। और एमआईएम के नेताओं को आज आगाज किया जाता है, अगर ये दोबारा कहीं भी इस प्रकार की घटना घटेंगी इसकी खैर नहीं रहेंगी। हैदराबाद की कोई गली में एमआईएम के नेताओं को फिरने भी नहीं दिया जाएगा। किस प्रकार की आप लोगों ने कंप्लेंट की, किस प्रकार की? और यहाँ पे जो कार्यक्रम में महिलाओं पे जो दुर्व्यवहार किया है उसके लिए कंप्लेंट दिया है। और ये एक सेक्युलर देश है, डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ पे कोई भी अपने मीटिंग अपनी आवाज लोगों को सुनाने के लिए अपना जो एजेंडा है पार्टी के हटके पार्टी के एजेंडे को हम पब्लिक में ले जा रहे हैं, इसके लिए कोई भी हम पर ये इस प्रकार का हमला करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर एक सवाल है सर, जी बोलिए। सर हमेशा ये बताया जाता है कि एमआईएम के खिलाफ बोले जा रहे हैं, तो इसका क्या वजह हो सकता है? एमआईएम पार्टी एमआईएम का काम कर रही है, इससे भी ये मैसेज जाता है बी टीम है ए टीम है, अगर बी टीम रहती तो हम पर हमला नहीं करती, वो हमारा विरोधी है एमआईएम पार्टी। और हो सकता सर ये आपके साथ में कुछ तालमेल हुआ होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो यहाँ पे क्यों होगा? यहाँ पे कई कार्यक्रम हर क्षेत्र में चल रहे, कहीं भी हो सकता था, चंद्रायन गुट्टे में हो रहे, याकूतपुरा में हो रहे, वो यहीं पे क्यों? ये यहाँ के कारपोरेटर को डर लग गया है, वो हीरो बनने के लिए एमआईएम पार्टी को चमकाने के लिए हम पर हमला किया। किस प्रकार पे किस किस सेक्शन के तहत केस किया गया है? एफआईआर कॉपी में धारा 323, 506, 341 SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत केस। नहीं, एससी एस सी एस सी